हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको 15 डिग्री का एंगल बनाना सिखाऊंगी कंपास की हेल्प से। ठीक है, तो उसके लिए हमें स्केल चाहिए, कंपास चाहिए और एक पेंसिल चाहिए। मैंने स्केच पेन यूज़ किया लेकिन आपने पेंसिल यूज़ करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंगल बनाना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, हम एक लाइन बनाएंगे स्केल की हेल्प से। ठीक है, स्केल की हेल्प से हमने एक लाइन बनाई। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस यहाँ को नाम दे, इसको नाम दे दिया ए बी लाइन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस ए पॉइंट पे यहाँ पे कंपास का ये पॉइंट रख के आप कंपास अपने अकॉर्डिंगली खोल लीजिए जितने आप खोलना चाहते हो। ठीक है, तो ए पॉइंट पे हमने रख के एक आर्क बनानी है, ऐसे करके आर्क बनाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, आपने जहाँ पे ये आर्क टच की ए बी लाइन के ऊपर, वहाँ यहाँ पे हमने कंपास रखी और एक आर्क लगाई, ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है अगर हम यहाँ पे लाइन निकालेंगे तो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कंपास का ये पॉइंट यहाँ पे रखना है। ठीक है, यहाँ पे रख के एक आर्क लगाएंगे और दूसरा यहाँ पे, ये जो 60 वाला है, ठीक है, यहाँ पे रख के आप एक आर्क लगाओगे। ठीक है, तो ये जो बना है ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो क्योंकि हमें 30 का नहीं, हमने तो 50 डिग्री का एंगल बनाना है, तो हम इसको डॉटेड में लगाएंगे। ठीक है, डॉट में मैं ये लाइन लगाऊंगी। ठीक है, ये जो आई है तो इसको मैंने डॉट से लगाया। ठीक है, ये तो 30 डिग्री के का एंगल ये बनाती है। ठीक है, तो ये अब मैंने बनाना है 15 डिग्री का बनाना, तो हमने 15 डिग्री का, ये तो 30 डिग्री का बना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, यही कंपास को मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, फिर मैंने यहाँ पे फिर कंपास रखी और एक आर्क लगाई और दूसरी आर्क मैंने यहाँ पे, ये यहाँ पे जो 30, जिसको ये 30 डिग्री का एंगल बनाने वाली जो लाइन, जो डॉटर लाइन जा रही है ना, यहाँ पे जो यहाँ पे ये बड़ी वाली आर्क हो गई कट करी, यहाँ पे रख के मैंने दूसरी आर्क लगाई। ठीक है, अब दोनों आर्क जहाँ से इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट में से पास करती हुई ए से शुरू करते हुए मैं एक लाइन बनाऊंगी ऐसे। तो ये जो बनी, ये जो एंगल बना इस लाइन के साथ, इसको ये जो ये 15 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो आई होप आपको ये 15 डिग्री का एंगल बनाना आ गया होगा, बहुत आसान है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।